दोस्तों नमस्ते, जयंत गोल्ड डस्ट डिटेक्टर मुंबई। मेटल डिटेक्टिंग के बारे में अपना चैनल है, टाइम ज़्यादा लगाता नहीं हूँ, जिसको भी है बाकी मेरे वीडियो देख लेना, वीडियो देखे सिवा कॉल मत करना, ठीक है। कस्टमर आए अकोला महाराष्ट्र से आए, तो उनका कैसा सिंप्लेक्स ही है उनका भी चॉइस, लेकिन उनको ज़्यादा जानकारी नहीं, तो उन्होंने मुझे बोला कि अंगूठी कितना दूर तक पकड़ता है, बाकी चीज़ कितना दूर तक पकड़ता है, बराबर ना? सही है। हाँ, और इनका कैसा है कि मतलब हर कोई गोल्ड रहेगा या फिर सिल्वर रहेगा तो वही आंकड़ा दिखाएगा क्या, या फिर अलग अलग आंकड़ा दिखाता है, ऐसा दिखाता है, बराबर ना? आपने क्या बोले मुझे? वही बताया। हाँ, तो देखो कैसा है, कोई भी जो धातु बना है, जमीनी पड़ा है, वो हमारे लिए स्पेशली कोई गाड़ा नहीं गया ना, बनाया नहीं गया है, तो उसमें कैसा अलग अलग चीज़ें मिक्सिंग होती है, तो उसके कारण उसकी आईडी चेंज होती है। इसके लिए आईडी में हमको नहीं जाना है, जो चीज़ छोटे छोटे कॉइन भी इनके चक्कर में घूमता है टाइम पास में, तो उसके लिए आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको सीखने को टाइम लगता है। हर मशीन का एक जैसे आदमी का स्वभाव वैसे मशीन का स्वभाव है। बोलो, पूछो। टोन वगैरह सब का अलग अलग होगा कि टोन अलग अलग आता है, लेकिन वो समझने को टाइम जाता है। ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा तो अलग आवाज़ आता है, छोटा ऑब्जेक्ट रहेगा तो अलग आता है। तो इसको पहचानने का कैसा कि ये आपकी काम की चीज़ है कि नहीं है, ये वीडियो के पर्दे के पीछे वाली बातें हैं, जो अपने ही कस्टमरों के लिए वो आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो इनका पूरा ट्रेनिंग होगा, और आपको मशीन लेना है तो आना है, ऑफिस है अपना मुंबई पालघर में, दिल्ली में ऑफिस है, ठीक है दोस्तों। और सही सही जानकारी कोई भी यहाँ पे कुछ भी इन्होंने जैसे बोला, मैं पहले वीडियो भी बना लेते, इनके जो डाउट। हाँ, अंगूठी भी लाया भाई, हमको दिखना है नहीं क्या? हाँ, तो अभी वो घुमाओ सामने, आप दिखाओ सामने, रुको मैं चालू करता हूँ मशीन, इसी में दिख जाए, इसी में आपको लाइव में आपको, रुको एक मिनट, रुको भाई साहब एक मिनट, वो दोनों तरफ से पकड़ता है, अंगूठी इधर से भी पकड़ेगा, उधर से भी पकड़ेगा। हाँ, रुको रुको, हाँ आप घुमाओ, हाँ अभी नज़दीक लाओ, हाँ अभी क्या करेंगे उसको, हाँ अब थोड़ा सेंसिटिविटी मैंने कम कर दिया दोस्तों, ठीक है, ये देखो मैंने सेंसिटिविटी 4 पे रख लिया, अभी करो। हाँ, अभी इसमें देखो डेप भी दिखा रहा है, छोटी चीज़ कितनी दूर से दिखा रही है, देखो ये जो डेप का सिग्नल है, ये है, ये डेप का सिग्नल है, इसके ऊपर मालूम पड़ता है कितना नीचे है, कितनी छोटी और लंबी चीज़ आवाज़, और इस पर अपना ये रहता है। हाँ, 5-7-8 कितना इंच पे बता रहा है? 8 इंच पे बता रहा है। हाँ, तो अभी ना मैं मेरा वाला अंगूठी लेता हूँ, ठीक है ना, अभी मैं इधर से दिखाता हूँ, देखो आवाज़ करना ये कितना इंच पे भाई, कितना फीट पे होगा, 1 फीट पे होगा, 1.5 फीट, हाँ 1.25 फीट है, 1.5 फीट नहीं है, ठीक है। तो अगर अपन क्या करेंगे अभी, ये चीज़ लेंगे अभी, ठीक है दोस्तों, ये जो डिफरेंस है ना, ये दोनों डिस्टेंस लगभग ये 1.5 फीट का, 1.5 फीट का डिस्टेंस रहेगा, एक नहीं नहीं 18 इंच का रहेगा। तो अभी देखो इस पे से आपको मालूम पड़ेगा, हाँ पकड़ो मशीन के पीछे से। अभी मैं क्या करता हूँ, सेंसिटिविटी थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 1 से कम रखा है फुल में। अब ये डिस्प्ले में आवाज़ क्यों नहीं करता है, तो डिस्प्ले में भी तो है ना, ये क्यों नहीं, तो इसमें जामर रहता है, और उसमें अलग छोटे छोटे कंपोनेंट रहते हैं ना, तो उसको नहीं पकड़ेगा, ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, हाँ तो उस हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी को वहाँ पे ये नहीं करने देता है, ठीक है ना। अभी आपको ही बोलना है, अभी ये कितना फिट दिखा रहा है भाई, देखो नहीं अभी देखो दोस्तों, 2.5 फिट पे बता रहा है। हाँ, तो अगर 2.5 फीट हवा में बताता तो यही चीज़ ज़मीन में अगर पुरानी रहेगी तो 3-3.5 फीट पे भी लोगों ने ऐसी चीज़ें निकाली हुई है, ठीक है। कुछ चीज़ें दोस्तों प्रूवन रहती है हमारी, जो मैं वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ। 2 साल का वारंटी इसको, कुछ भी हो गया सीधा वीडियो बना के भेज देने का कुछ होता नहीं है, कि कंपनी को भी जिंदा रहने का है, तो कंपनी ने प्रोडक्ट भी वैसे नहीं, लोग क्या करते हैं कि अभी सब बोलते हैं कि अच्छा है लेके जाओ, फिर नहीं वारंटी मिलेगा, ये मिलेगा, फिर बाद में क्या करते हैं कि हाथ ऊपर करते हैं ना, हाथ ऊपर करते हैं, ऐसा नहीं चाहिए। तो आपको ना कैसा है, गारंटी के साथ लेने के लिए आए हम लोग। हाँ, तो मशीन में हाथ लेने के बाद मालूम पड़ता है, आप हाथ में दोनों पाइप पकड़ो अपना। हाँ, आपको क्या लगता है प्रोडक्ट, आप क्वालिटी बताओ कैसा लग रहा है, थोड़ा हिलाओ बिलाओ जरा, ऐसा ऐसा करो ना। हाँ, कैसा लग रहा है आपको, दमदार लग रही चीज़? हाँ दमदार है। हाँ लग रहा है, दमदार चीज़ है ना। हाँ इधर ना, मैं इधर ही फैसला करता हूँ ना। अच्छा नहीं नहीं कुछ नहीं, वो प्लास्टिक नहीं, वो अलग प्लास्टिक है, वो जो अच्छा हार्ड मटेरियल में, हाँ बहुत हार्ड मटेरियल में है। हाँ हाँ, ये घूमता है पूरा, इसको पूरा शॉर्ट भी कर सकते हो, जो है सामने डेमो, छुपा पे डेमो नहीं करते हम। नहीं नहीं वैसा नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नीचे अंदर टेबल में बहुत कुछ है ना, तो वैसा नहीं करेगा ऐसा, ठीक है। ये हो गया, अब आपको ना एक काम करेंगे, आपको जो दूर वाला जो डेमो है ना वो बता देंगे अभी। हाँ, हम आपको ना फुल सेंसिटिविटी पे करके दिखाएंगे, देखो मशीन शांत है, घर में होने के बावजूद भी, ऑफिस में होने के बावजूद भी। ये मोबाइल पकड़ो भाई साहब, हाँ बराबर पकड़ो। हाँ देखो दोस्तों, ये मशीन अभी कितना दूर तक पकड़ेगी आपको बोलना है कैमरे में, ठीक है।
काम कर रहा हूँ, मैं दूर से देखा, क्योंकि हमारे यवतमाल का कस्टमर बोला है कि सर आप दूर से दिखाना, तो अभी हमारा दोस्त ही हो तो इधर आ गया, इधर तो आ गया ना, हाँ हाँ साढ़े चार फीट है, साढ़े चार चार साढ़े चार फीट भाई, साढ़े चार नहीं ज़्यादा है, साढ़े चार साढ़े चार कंट्रक्टर नहीं, एक दो तीन चार साढ़े चार साढ़े चार एकदम बराबर। अभी हम क्या करेंगे, तुरंत 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 बड़ा बड़ा हम चीज निकालेंगे, थोड़ा आगे लो, थोड़ा आगे लो, इसके पीछे ले ले, इसके पीछे ले ले भाई, अभी ये सब पकड़ नहीं लगता उसको, इसके हां पीछे रखो, इसके ना ले, बस 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 काम हो गया, ऊपर फैन और लाइट में आगे लो, थोड़ा इसको शांत रखा आगे बस, और आगे लो तो शांत होना चाहिए, शांत हो गया, हां हां अभी याद है कितना फीट है, हां ये 5 फीट है, पास साढ़े पास नहीं 5 फीट है, चलो पाँच फीट पकड़ो, तुम होली दिवाली मनाओ उसमें, ठीक है ना, यही चीज अगर पुरानी रहेगी तो 7-8 फीट पे मैं बोलता हूँ, तो डबल 8 फीट छोड़ो, अपने को 6 फीट मिला तो, लेकिन 8 फीट तक लोगों ने काम किया हुआ है, ठीक है, तो मशीन जबरदस्त है, अब इनको थोड़ी टिप्स दी जाएगी, आप आओगे तो आपको टिप्स मिलेगी, बाकी मशीनें हैं सब बहुत कुछ है हमारे पास में, 21,000 से लेकर सब मशीन स्टार्ट है अपने पास में, वाटर प्रूफ है, सस्ते में भी महंगी मशीन जिसकी क्वालिटी है और फुली वाटर प्रूफ है, तो दोस्तों मशीन लेना है तो आना, ठीक है, और इनके भाई डाउट है कुछ देखता हूँ मैं, और छोटा सा ट्रेनिंग का भी इनका हिस्सा होगा, ठीक है, और कुछ डाउट है आपका, नहीं बस, हाँ सब हो गया, फैसला चलो ठीक, ओके, मेरे को वापस जाना है, ये आए कैसे मुझे बताओ, आपको दादर से कितना रुपये टिकट लगा मुझे बताओ, 25 रुपये लगा, 25 रुपये में टैक्सी में 1 किलोमीटर भी नहीं छोड़ते, 25 रुपये टिकट भी, 25 रुपये में दादर से पालघर पहुँच गए, रहने दो कोई बात नहीं, दादर से 25 रुपये के टिकट में, दिखाओ टिकट दिखाओ, दो लोगों का पचास रुपये में ये 25 रुपये, ये देखो 25 रुपये का टिकट दादर से पालघर, बोईसर का दिया है, यहाँ से भी अगले स्टेशन का दिया है, तो ये तो 20 रुपये होता है फिर पालघर का, तो हाँ तो इतने सस्ते में आप लोग आ सकते हो, बस आने से पहले मुझे पूछना है आपको कि कैसे आपको आना है, कैसे आएंगे सर, क्या करेंगे, क्योंकि हर एक के लिए अलग रहता है, वैक्सीन रहेगा तो क्या टिकट मिलता है, इनको तो मिल गया बिना वैक्सीन के भी टिकट, इनका नसीब जोरदार था, ठीक है ना, चलो दोस्त बाय।